हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पिक्सआर्ट के अंदर रियाज फोटो एडिटिंग कैसे करते हो सिखाने चाह रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हो कि पहले वाले फोटो को मैंने बैकग्राउंड इरेज करके कुछ इस स्टेप से ट्रांसफॉर्म किया है। सो फ्रेंड्स, आप भी ये फोटो एडिटिंग आप अपने स्मार्टफोन के अंदर कर सकते हो। फ्रेंड्स, चैनल पर नए आए तो चैनल को कर दी अभी के अभी सब्सक्राइब। फ्रेंड्स, इसके लिए आपको डाउनलोड करना पिक्सआर्ट एप्लीकेशन। सो फ्रेंड्स, एप्लीकेशन को डाउनलोड होने के बाद जो भी यहाँ पे बैकग्राउंड इमेजेस और पीएनजी इमेजेस दे रहा हो उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप मेरी वेबसाइट पर जाइएगा और सारी इमेजेस डाउनलोड कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, यहाँ से मैंने बैकग्राउंड को सिलेक्शन कर दिया और यहाँ से आपको जाना है स्लाइडर में और यहाँ से आपको मिलेगा ऑल फोटो का एक ऑप्शन। यहाँ पे जाके फ्रेंड्स आपको यहाँ पे कार का पीएनजी ले लेना है। सो फ्रेंड्स, कार वाले पीएनजी को यहाँ पे सिलेक्शन कर दिया और सिलेक्शन होने के बाद फ्रेंड्स इसे ऐड कर देना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ से मैंने ऐड कर दिया। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो कि कार को थोड़ा सा आगे लाना, स्ट्रेच करके कुछ स्टेप्स यहाँ पे सेट करते जाना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ से मैंने इमेज को स्ट्रेच कर दिया और रोड पे कुछ स्टेप्स यहाँ पे आपको भी सेट कर देना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ से आपको क्या करना है, फिर से आपको लेंस वाले ऑप्शन में जाना है क्योंकि कार का जो हेडलाइटिंग इफेक्ट है वो इस लेंस ऑप्शन की सहायता से आपको यहाँ पे कुछ स्टेप से सेट कर देना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ से मैंने एक लेयर को ले लिया और यहाँ से आपको क्या करना है, फिर से इसको डुप्लीकेट करते जाना है तो हेडलाइटिंग इफेक्ट आपका यहाँ से और भी अच्छे बनने लगेगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ से मैंने 6 हेडलाइटिंग इफेक्ट यहाँ पे रोटेट करके बना दिए। सो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, सारे फोटो को यहाँ पे सेव कर देना है एरो ऑप्शन के द्वारा जो ऊपर दिए गए हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ से मैंने फोटो को यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दिया है। सो फ्रेंड्स, फिर से आपको क्या करना है, ऑल फोटो पे जाना। ऑल फोटो पे जाके फ्रेंड्स यहाँ से आपको रियाज का एक पीएनजी ले लेना है। सो फ्रेंड्स, आप अपना खुद का पीएनजी भी ले सकते हो। यहाँ से बैकग्राउंड रियाज कैसे करते उस वीडियो का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन है, वहाँ से जगह आप देख सकते हो। सो फ्रेंड्स, यहाँ से मैंने रियाज पीएनजी एक सिलेक्शन कर दिया और यहाँ से फोटो को सिलेक्शन होने के बाद फ्रेंड्स इसे कर देना है ऐड। सो फ्रेंड्स, यहाँ से मैंने फोटो को ऐड कर दिया। ऐड होने के बाद फोटो को कुछ स्टेप से यहाँ पे कार के बोनट है वहाँ पे कुछ स्टेप से स्ट्रेच करके यहाँ पे लगा देना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे लगा देने के बाद बॉटम में जो स्लाइडर आप देख रहे हो उससे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे फोटो को सिलेक्शन कर देना और यहाँ से आपको एडजस्ट में जाना, इसका ब्राइटनेस थोड़ा सा बढ़ा देना ताकि जो फोटो का बैकग्राउंड उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बैकग्राउंड आपको देखने को मिल जाए। सो फ्रेंड्स, फिर से आपको क्या करना है, फिर से आपको यहाँ पे ऑल फोटो पे जाना और शेडो पीएनजी ले लेना है। शेडो पीएनजी का मैंने सिलेक्शन कर दिया और यहाँ पे आपको क्या करना है, इस फिट है इसके नीचे यहाँ पे कुछ स्टेप से सेट कर देना है। इसका डुप्लीकेट लेयर बना के दूसरे वाले पाव के नीचे यहाँ पे कुछ स्टेप से शेडो इफेक्ट बना लेना है। सो फ्रेंड्स, ये सब सेटिंग होने के बाद आपको क्या करना है, फिर से ऑल फोटो पे जाना और यहाँ से आपको बर्ड वाला एक पीएनजी मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये वाले सारी वाली क्रिएटिविटी आपको सिनेमेटिक इफेक्ट जैसी देखने को मिल रही है। सो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, बर्ड वाले पीएनजी को लेफ्ट अलाइन करके यहाँ पे टॉप में कुछ स्टेप से सेट कर देना है। सो फ्रेंड्स, ये सब सेटिंग होने के बाद सारे फोटो को यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देना और यहाँ से आपको क्या करना है, इफेक्ट वाले ऑप्शन में चले जाना और इफेक्ट में आपको क्या करना है, यहाँ पे HDR सिलेक्शन कर देना। सो इफेक्ट में FX और FX में HDR करने के बाद फोटो में यहाँ पे सिनेमेटिक इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, फोटो में यहाँ पे ज़्यादा इफेक्ट आने के बावजूद भी आपको यहाँ पे अनशार्प थोड़ा सा कम कर देना और ब्लर थोड़ा सा कम कर देना। सो फ्रेंड्स, फोटो एडिटिंग यहाँ पे आपका हो चुका है। सो फ्रेंड्स, सारे फोटो को यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देना है। तो फ्रेंड्स, कैसे लगा मेरा फोटो एडिटिंग कॉन्सेप्ट मुझे कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू फ्रेंड्स।